गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो सब? और देखो, हम तो उठ गया और आज डे टू है, हम जोधपुर पहुंच गए हैं सब। सुबह अभी बजे है 6:30 बजे है सब। हम लोग फटाफट उठ के फ्रेश होके रेडी हो रहे हैं। और देखो, स्टेशन में उतर भी गया, देखा लिखा हुआ है ना जोधपुर, तो जोधपुर स्टेशन में हम लोग उतर भी गए। और इन लोगों का देखो सिस्टम इतना अच्छा है, ये देखा, ये जो बंद दरवाज़ा और जैसे खंभागनी जैसे दोनों आदमी का फोटो दिया हुआ है, ये है लिफ्ट। लिफ्ट से हम लोग नीचे चढ़े थे और हम तीनों तो चढ़ के आ गए थे। अभी देखो मेरा जमाई साहब अभी लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, देखो अभी वो आ जाएगा और हम लोग सब बाहर की तरफ जाएंगे। चलो आज तुम लोगों को हम जोधपुर का जो भगवान है ओशिया माता और जैन मंदिर का दर्शन करवाते हैं। और देखो बाहर निकलते देखा कितना अच्छा, मतलब आँख का वो क्या परीक्षा करवाते हैं ऐसे। मेरे ख्याल से तो ये फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको तो वही लग रहा है। और लगेज लेके हम लोग निकल रहे हैं सब बाहर की तरफ। चलो धीरे धीरे दिखाते हैं, हम लोग सब जा रहे हैं और बहुत थके हुए हैं क्योंकि लगेज लेके बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कोई बात नहीं था क्योंकि हम लोग का गाड़ी सामने लिया हुआ था, हमारे जो जमाई सा है वो गाड़ी लिया हुआ है। अब इधर से वो गाड़ी लेके वो खुद ही ड्राइव करेगा, तो इसीलिए हम लोग देखो आ गया गाड़ी के जहाँ से हम लोग को गाड़ी मिलेगा उधर हम लोग आके खड़े हैं। और उधर देख रहे हो कुछ गैदरिंग, तो आके बहुत अच्छा लगा। हम देख रहे हैं कि सब इधर आके ना इधर उतरे हैं ट्रेन से और वो कर रहे एक दूसरे से ना, शायद ये ना शादी हो रहा है, शादी का कुछ घर में आए हुए है, हमको तो यही लगा। Hey guys, so, मम्मी के बाद मैं आ गई यहाँ पे क्योंकि अपरेंटली वो सो गई थी, तो आई जस्ट थॉट कि मैं उनके व्लॉग को कंप्लीट कर दूँ। सो बेसिकली जब अपने राजस्थान आते हैं तो इस तरह से लोगों का स्वागत किया जाता है। हमारा स्वागत तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो हमारे लिए गाड़ी ला रहे हैं, बट इन लोगों का स्वागत कुछ इस तरह हुआ है। सो वेलकम टू जोधपुर एवरीबडी। वेल वी गॉट अर्टिका अपने साथ क्योंकि थोड़ा सा स्पेशियस जगह चाहिए, मेरी सास मेरे साथ है प्लस मम्मी भी है, तो वी जस्ट थॉट कि थोड़ा सा बड़ा गाड़ी हो तो हमारे लिए भी अच्छा है, प्लस ऑब्वियसली तीन लेडीज़ हैं तो जैसा सोच सकते हो आप लोग की कितना लगेज होगा। सो एज यू कुड सी मी लाइक वहाँ पे एकदम ब्लैंक खड़ी हूँ मैं एंड जस्ट थिंकिंग कि जल्द से जल्द जाओ और सो जाओ। वेल ऑन दैट नोट, भूख तो लगता है बट हम लोग कोई खाए नहीं थे क्योंकि पूजा देना है, दिस वॉज फॉर माई हस्बैंड एंड बस सफ़रनामा में चल पड़े हमारे हम सफ़र, हमारे साथ सफ़र के राही बन गए, हम राही बन गए एंड देयर वी गो। वेल अगर सही में बताऊँ तो राजस्थान इज़ नो लेस देन फूकेट यानी थाईलैंड। हम लोग जब वहाँ पे भी जाते तो रास्ता जो एक्चुअली सिनिक ब्यूटी है ना वो कुछ ऐसा ही दिखता है। सो येस, आई थिंक आप लोग सफ़र का मज़ा लेते रहो हमारे साथ और रोड्स का मज़ा लो, ग्रीनरी का मज़ा लो। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, कितने सारे गाय हमको सामने दिख रहे हैं। ऑब्वियसली गाय हमारी माता है तो दे आर लाइक दिस इज ब्यूटीफुल राइट। जो लोग सिटी में रहते हैं उन लोगों को समझ आता होगा कि ये सब जो नज़ारे हैं वो कितने ज़्यादा अमेजिंग हैं फॉर द पीपल हु स्टेज इन अ सिटी। सो यस, देयर यू गो। वेल चलते चलते ये टोल गेट पे आ गए हैं, तो ये ओसिया माता का जो रास्ता है इसके ऊपर आता है। ये जब आता है तो हमको लगता है कि हाँ चलो 20 मिनट में माता जी के मंदिर के सामने हम लोग पहुँचने वाले हैं। सो यहाँ से जाना है, हमारे पास से सिर्फ 100 रुपये ही लिए थे क्योंकि हमारा ट्रिप थोड़ा सा लंबा है, सो अकॉर्डिंगली ये आपसे रुपए लेने वाले हैं कि क्या कितना कैसे होगा।
सो ये ऐसे करके हम लोग आगे भरेंगे. आप लोग कैश दे सकते हो, यूजुअली कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, फास्टैग नहीं लेते हैं यहाँ पे. पहले इसके साथ साथ हम लोग जल्दी से जल्दी इस होटल में आ गए. सो होटल का नाम ग्रेटर कैलाश है. इट्स क्वाइट अ डिसेंट होटल और जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग सब तैयार हो गए, जल्द से जल्द नहा लिए. खाना कुछ नहीं खाए है ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान जी की पूजा करने से पहले हम लोग अन्न नहीं खाते हैं. सो जल्दी से जल्दी पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और भक्तिपूर्ण से पूरा का पूरा पूजा संपूर्ण करने के बाद ही वी गोइंग टू गो एंड हैव अ फूड. और यहाँ पे देख रहे हो हम लोग यहाँ पे वो मंडली ले रहे हैं, यानी कि माता जी को जो चढ़ावा करने वाले हैं वो ले रहे हैं. और धूप बहुत ही ज़्यादा है. वैसे इसको लापसी कहते हैं, यही मेन प्रसाद है यहाँ का. सो इसको हम लोग चढ़ाते हैं और इन लोग हमें प्रसाद में भी लापसी, मीठे मखाने ये सब देते हैं. और इतना सुंदर व्यू है, इतना लशियस ग्रीन आपको कहाँ देखने को मिलेगा. वैसे मंदिर के आसपास में 9 और मंदिर है. कहते हैं कि माता का 9 रूप होते हैं, तो वो नवरात्रि में ये 9 देवियों को भी पूजा जाता है. बहुत बड़ा मेला भी लगता है. और अभी बस कुछ दिनों में यहाँ पे रामदेव जी का भी मेला लगने वाला है. सो बहुत भीड़ होने वाला है. अभी इस टाइम पे थोड़ा सा कम भीड़ है, तो हम लोग थोड़ा सा खाली खाली में ही पूजा और सब कुछ अर्चना कर लिए थे. बट आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाला है यहाँ पे. और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे खड़े होकर लापसी खा रही हूँ, बिकॉज़ आई लव लापसी. एंड ये रहे, सब लोग बैठे हुए हैं, थोड़े से सब थक गए हैं क्योंकि सुबह से हम लोग इधर उधर किए जा रहे थे. सबका बैटरी डाउन हो गया है एंड अभी बस सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बस रूम में जाए और सो जाए. प्लस भूख भी बहुत तेज़ लगा हुआ था. लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभार कि जब भूख बहुत ही ज़्यादा लगने लग जाता है, एट द एंड ऑफ द टाइम आपका भूख एकदम सप्रेस हो जाता है. और आप लोग को जब लेके आए हैं तो यहाँ पे माता जी का दर्शन भी करा देते हैं. तो सब लोग अपना हाथ जोड़ ले और दिल से माता जी से आपको जो भी मांगना है वो मांग सकते हो. वैसे साइड में ना यहाँ पे शादी के बाद जात लगाना कहते हैं, वो लग रहा था. एंड जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इतने सुंदर सुंदर गाने बजाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे. इट्स अ वेरी पावन समा, तो आप लोग को आके बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे. सो इफ़ यू कैन डू विजिट हियर, इट्स रियली नाइस. वेल ये लो पूरे के पूरे डेजर्ट का मज़ा ले लो यहाँ पे. इसको दोरा कहते हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे जीप राइड होता है, एटीवी राइड होता है, जो हम लोग करने वाले हैं कुछ ही देर में और आप लोगों को एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं. बट तब तक के लिए लेट्स एन्जॉय द व्यू राइट हियर. लंच तो कर लिए थे और एक क्विक चेंज के बाद हम लोग फिर से निकल गए थे. अब हम लोग जैन मंदिर की तरफ अग्रसर है. बस हम लोग अपने में ही थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, थोड़ा गप्पे मार रहे थे एंड बस ऐसे ही करते करते हम लोग जैन मंदिर के सामने आने वाले हैं और हम आप सबको दिखाएंगे कि जैन मंदिर भी कितना सुंदर है. वेल जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सारी जो स्टोरी है ये पूरा का पूरा यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है और आपको समझाया भी जाएगा कि क्यों बना है, कैसे बना है. एंड ये पूरा एंबियंस ही बहुत ब्यूटीफुल है. जो पूरा का पूरा नक्काशी है, जो काम यहाँ पे किए हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उत्तीर्ण और अप्रतिम है. सो यू कैन हैव अ लुक एट द एंटायर प्लेस. बहुत ही प्रिटी है एक्चुअली. वैसे यहाँ पे सारे के सारे तीर्थंकर के भी मूर्ति बने हुए हैं एंड ऑब्वियसली हमारे महावीर देव भी यहाँ पे है, विराजमान है. तो
बस उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अब जैसे कि मैंने कहा था, ऑब्वियसली हम लोग जब राजस्थान में हैं तो सोडा पानी कैसे ना पिए, तो यहाँ पे सब लोग मिलके सोचे कि थोड़ा सा सोडा पानी पार्टी हो जाए। मैं वहाँ पे नहीं थी क्योंकि अपेरेंटली इन लोग मिलके मेरे को भेज दिए थे कि तुम ऊपर जाओ और प्रसाद चढ़ा के आओ, और मेरी सास, मेरी मम्मी और मेरा पति तीनों मिल के आराम से यहाँ पे सोडा पानी पी रहे थे। और वैसे आप देखें वहाँ पे कैसे सोडा बनाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा न्यू चीज़ है मेरे लिए, बट मेरे को सब बोले कि ये ही रियल टेक्निक है सोडा बनाने का। बाकी अपने तो वहाँ पे ऐप बना बनाया सोडा मिल जाता है, बट इट्स रियली प्रिटी एंड रियली नाइस एंड इट टेस्टेड अमेजिंग। वेल, डेजर्ट सफारी कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से माताजी के मंदिर में वापस आ गए आरती देखने के लिए, शाम की आरती। और आप सब एक बार इसका नज़ारा ले लो, ये हम लोग सब मिलके बैठते, तो यहाँ पे बेसिकली मेल दूसरे साइड में बैठते हैं, फीमेल्स दूसरे साइड में बैठते हैं सब लोग मिलके। और यहाँ पे बुक हमें दिया जाता है, ये सब भेंट दिया जाता है, ये आप रख भी सकते हो और यह वापस भी कर सकते हो। इसमें सारी आरतियाँ लिखी हुई रहती है ताकि आप साथ में गा पाओ और माता जी की अर्चना कर पाओ साथ में। और इसी के साथ साथ हम लोग बहुत सारा पूजा किए, ये हम लोग खड़े हो गए आरती के लिए, आरती गाते हैं, भजन होता है, उसके साथ साथ आशीर्वाद मिलता है और ये समाप्त होता है माता जी का दर्शन। नाउ वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, सो खाना खाते हैं और कल मिलते हैं।